जी को बोलो कि तुम महामंत्र का जाप किया करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बाहर निकले हुए महाराज जी को कुछ नहीं आता, यूं कह रहे नाम जपो। लेकिन उसी व्यक्ति को बोलो, सुनो मंगलवार के दिन सुबह उठ जाना 4 बजे। अच्छा महाराज जी, फिर स्नान करना, कोरे वस्त्र पहनना, नए बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। उसके बाद घर के उस कोने में बैठना जहां कोई ना आता हो, वहां आसन बिछा लेना, ठीक है। सामने बढ़िया 4 सफेद लड्डू रखना, सफेद ही हो, पीले नहीं होने चाहिए, जी 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 सफेद रहूंगा। और फिर उनको रख करके उनके ऊपर एक एक लौंग चिपका देना। अच्छा, फिर उसके बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। जो अरे महाराज जी, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। बिना प्रैक्टिकल के आप सीधे बोल दो नाम जप करो, नहीं जपेगा। आज के समाज में ऐसा हो गया है, उसको कोई तंत्र बताओ, उसको कोई योजना बताओ, ऐसे ऐसे तुमको करना है, वो निश्चित करेगा उस काम। काहे को प्रपंचों में पड़े हम लोग? ठाकुर जी के नाम से ज्यादा बलवान संसार में कुछ नहीं है। अभी किसी को बोलो कि तुम महामंत्र का जाप किया करो।